सिर्फ आत्मा है, माया धराशायी है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक आत्मा ही इस महाप्रलय काल में दिखाई दे रहा है। में ये महाप्रलय का टाइम है, प्रगाढ़ निद्रा जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इस महाप्रलय में सब के सब धाराशाही हो जाते हैं, मन शरीर का भार लेकर फिर ये भ्रमण करता है। ये भी शरीर से निकल कर बाहर जाता है, फिर वहाँ अनेक संसारों की रचना करता है, कहीं सुख पाता है कहीं दुख पाता है। महाराज जी, हाँ हो गया। पिछली बार मैंने शायद एक सत्संग दिया था, श्री जी को हृदय में दिखलाया था और श्री कृष्ण यानी ब्रह्म बराबर आत्मा ये ब्रह्मांड में खोपड़ी में दिखलाई थी। हो सकता है जिसे तुम पुण्य समझते हो वही पाप हो। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से साधु महात्माओं, दिव्य तपस्वी ज्ञानी और साधकों के दर्शन कर पा रहे हैं, प्रेमियों, ये सब श्री जी की कृपा से और आप सभी के लाड़ दुलार स्नेह से संभव हो पा रहा है। क्योंकि जो प्रेमियों आपके द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है उसी से ऊर्जावान होकर हम लगातार साधु महात्माओं के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रेमियों, आज फिर हम एक उन्हीं महात्मा जी के दर्शनों में आए हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर हमारी जो भक्ति मार्ग है, एक बहुत यानी जो बोले बहुत ज़्यादा सुगमता आ जाए हमारे भक्ति मार्ग में, कुछ ज्ञान हमें प्राप्त भयो महाराज जी के वचनन से। और प्रेमियों, चूँकि सर्दी को समय चल रहा है कि जो महाराज जी के जो चौखट के जो किवाड़ हैं वो लगभग इतनी ऊंचाई की, तो वो भी श्री जी ने वो ठीक करा दी हैं, यानी वो भी ठीक होंगी इस सत्संग में। तो प्रेमियों, ज़्यादा मैं भी समय नहीं ले रहा हूँ और आपको स्नेहपूर्वक आप यदि संभव हो सके तो प्रेमियों चैनल सब्सक्राइब कर लिए और सत्संग अपने प्रेमी बंधुओं तक जरूर भेजते रहो ताकि उन्हें भी ये सत्संग को लाभ हो, साधु महात्माओं की बाणी मिले। क्योंकि ये बुजुर्ग संत हैं प्रेमियों, तो ये ठाकुर जी के पार्षद हैं, तो इनको ना तो शरीर को कोई लगाव है ना संसार से लगाव है, यानी जब तक हैं वो हमारे लिए, जैसे कह में कि साधु परमार्थ के लिए जीवन जी में। तो ऐसे ही प्रेमियों, यहाँ पे आप पीछे दर्शन कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासियों के उपले कंडे यानी ईंधन के रूप में प्रयोग करें, पहाड़ी कर असर राधे राधे मैया। तो ऐसे महात्मा जी के चरणों में प्रेमियों आप और हम चल रहे हैं और जुड़े रहें, आपसे निवेदन है आप सत्संग में पूरे जुड़े रहें क्योंकि महात्मा जी के वचन बहुत ही दुर्लभ है। फिर हमें सर्दी लग गई हमारे, फिर वो बहुत तो हम घबराए, अब शरीर में ताकत रही शक्ति रही तब तक हम बर्दाश्त करते रहे। अच्छा महाराज जी, वैसे इसमें सर्दी रुक जाती है क्या? किसमें? इसमें तीन में हाँ। तीन तो सर्दी नहीं रोक पाती, तीन जो है ये तो बहुत ज्यादा ठंडाती है। तो फिर ये कह रहे कि ये यहाँ से हटा दिया है ना? हाँ। तो मैं पटाप से तो भेजा यहाँ पे। हाँ, ये ना इतनी इतनी बड़ी बस दरवाजा महाराज जी के कुटिया को बस यहाँ तक को ये अब देखो। हाँ, ये तो पहला वाली तो। हाँ, ये पहला तो बस यहाँ तक को। यहाँ पे क्योंकि ऊपर की जगह खाली, क्योंकि सर्दी है, हवा में जाने, तो उस वैसे ये हटा के अब श्री जी ने ये कृपा करिए। तो भैया, और एक के बाद ये है क्योंकि यहाँ पे भी ये भी मतलब एक टेम्प्ररी बस महाराज ने ये पर्दा टांगा हुआ है, ये अब यहाँ पे से ये हटवा ये किवाड़ एक लग जाएगी। अभी तक महाराज जी ऐसे निवास करे ये बस केवल ये। प्रेमियों, जो किवाड़ थी ना वो ये थी, देखो ये पूरी जंग लगी भैया, यानी टीन है क्या? बस।
कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेमियों, आपको एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताऊं कि पहले महाराज जी की व्यवस्था कुछ यह प्रकार ही कि जैसे ये जंगला है ना, भैया एक बार देखेंगे ये जंगला है ना, जंगला पे ये एक कंबल का टुकड़ा फाड़ के महाराज जी ने ऐसे लगाया हुआ है जी। तो ये आर पार ये जंगला जैसे महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेमियों, मैं आपको दूसरे दरवाजे और दिखा दूँ, दूसरे दरवाजा पर भी ऐसे ही हो, क्योंकि महाराज जी की एक गेट इधर है और एक गेट उधर है, यहाँ लगे क्योंकि शीतलहर चले तो बहुत परेशान करें ठंड में। तो ये सेवाएं श्री जी कृपा से हो पाए संपादित, और अब चल रहे महाराज जी से, महाराज जी के पास दंडवत करेंगे और उनसे थोड़ा जानेंगे कि कैसा महाराज जी अब ये अनुभव है। रो तो महाराज जी अनुमति हो तो मैं प्रसाद तैयार कर दूँ। कुर्सी जी जी, कुर्सी पहले मैं आपके लिए वो रख दूँ बनाने के लिए, आप थोड़ा सा अरे छोड़ो। अरे नहीं महाराज जी, कैसे बनाओगे, हम तो डिब्बा वाला दूध में बनाते हैं। आप बताइए, मैं करता जाऊंगा महाराज जी सेवा। लोटे में पानी रख दीजिए आधा गिलास। जी 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 हाँ, इसे आलू रखी थी उसमें। अच्छा, हमने कहा शाम को सब्जी। ये लोटा में महाराज जी इसी लोटे में धर दो आधा किलो, आधा नहीं धो लेते हैं। तो प्रेमियो, ये आज हमारे और आपके बड़े अहोभाग्य जो महाराज जी के लिए प्रसाद तैयार करेंगे, प्रसाद रूप में कुछ भी हो लेकिन सेवा मिल गई, ये बड़ी कृपा है। एक गिलास पानी जी, इसमें ये यहाँ पे रख दो। ये इससे वालो कारो वालो हो जाएगा, ये ढक दूंगा ऐसे। हाँ महाराज जी, ये कहा है, ये श्री जी की कृपा से है, ये आप सेवा स्वीकार कर लो। ये या मैं एक रजाई जैसी एक चीज़ है, पूरी खुल जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे पूरी खुल जाएगी महाराज जी। आप बिल्कुल जाड़ो नहीं लगेगा महाराज जी, बहुत आनंद से जाड़ा लग सकता है ये तो, क्योंकि या मैं हवा भी नहीं जावेगी। बड़ी कृपा भी नहीं है, बिल्कुल बन गई होगी। अभी गिलास लेके बस बंद कर दो गिलास में थोड़ा पानी, बस थोड़ा थोड़ा नहीं जाकर दो डेढ़ पाव तक दे देते, ज्यादा नहीं चलते वो कभी कभी। हम हमारा टाइम निर्धारित है, हम लोगों का हर काम नियम से ही है हमारे जी, बिना नियम को पकड़ के चला दो, मिल गई ना। जी जी जी, और हाँ तभी तो ढक दो महाराज जी। हाँ ढक दो, ढक दो, हमको अच्छा नहीं लगता जी। तो वो खा लिया तो वो उसी से बाहर हो गया। आप शाम को आलू उबाल दिए हैं तो उन्हीं को सेवन करेंगे। हाँ, उसी को पालेंगे थोड़ी बारी दो चार। महाराज जी सर्वप्रथम तो महाराज जी आपको पुनः दंडवत प्रणाम। नारायण नारायण नारायण, दंडवत स्वीकार करो आपके चरणन में। एक बार फिर महाराज जी आ गए थोड़े सत्संग के लालसा लेके। अभी महाराज जी स्वास्थ्य वैसे ठीक है अभी? हाँ स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है, स्वास्थ्य में कोई कमी। सर्दी को समय आ गए महाराज जी? अरे ये तो होते ही, सर्दी है गर्मी ये तो होता है। ये महाराज जी हाँ हो गया हो गया, खींच लो उतार लो नीचे, अब उसको हटा दो तार को जो लगाया। जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, आप सभी को पुनः सादर नमस्कार, दंडवत प्रणाम और जय श्री राधे राधे बरसाना से। आज फिर हम महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हैं, और प्रेमियों आपकी भी तरफ से महाराज जी के चरणों में दंडवत अर्पण कर रहा हूँ, आप भी मानसिक रूप से दंडवत करें महाराज जी को। महाराज जी दंडवत प्रणाम।
नारायण हरि नारायण। महाराज जी हमें आपकी चरणन में ऐसे ही बैठे रहे, ऐसा आशीर्वाद आपको मिलता रहे, एक ऐसी जिज्ञासा लेके महाराज जी फिर आपके चरणन में आए कि कहीं हम तो सांसारिक जीव हैं, कहीं ना कहीं ये भोग विषय की बात हमारे मन में बैठी हुई है, जिन्हें जकड़ रखे हो हमारा मन। तो यह चीज़ में महाराज जी जैसे हम भजन साधना कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रीति कर रहे हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करने को एक प्रयास कर रहे हैं, या में महाराज जी हम कर्मन को चुनाव कैसे करें कि क्या कर्म हमारी भजन मार्ग में भक्ति मार्ग में एक सुविधा के रूप में आएंगे और कौन से कर्म हमारी बाधा उत्पन्न कर सकें। तो कर्मन को निर्णय निर्धारण कैसे करें कि ये कर्म हमारे सुकर्म है और कौन से कर्म हमारी दुर्गति की तरफ हमें ले जाएंगे। अरे भैया देखो, गहनो कर्मणा गति भारता, हे अर्जुन कर्म की गति बड़ी गहन है। हो सकता है जिसे तुम पुण्य समझते हो वही पाप हो, जिसे तुम पाप समझते हो वही पुण्य। तो भाई देखो, कर्म की तो व्याख्या को सभी शास्त्र धर्म ग्रंथ सब करते रहते हैं, और हम तो यही जानते हैं शुभ करो शुभ मिलेगा, कर भला तो हो भला, और बाकी तो कर्म के विषय में कहा, जब अर्जुन नहीं जान सकता तो हम लोग क्या जान सकें, फिर भी उसकी व्याख्याएं की जाती है। जी महाराज, अब कर्म की गति तो गहन है ही है, कोई किसी को पुण्य मानता है, कोई किसी को पुण्य मानता है। खैर, अपने भारत की संस्कृति ठीक है, अपने भारत में भी है एक वो वामपंथी दल है, एक ये वैदिक मार्ग है। वैदिक मार्ग और वामपंथी मार्ग में दोनों में विरोध है। वामपंथी मार्ग ये बंगाल की तरफ चलता है, कामरूप कमिच्छा वगैरह ये सब वामपंथी उस शक्ति की आराधना करते हैं। और भाई बड़ी विचित्र है, वही तो कहते हैं कर्म की गड़ी का जानन हम लोग किस प्रकार, अपने आकार उकार मकार ओम है ना जी, आकार मकार उकार ये तीन कार हैं, और वामपंथियों में अरे पांच पांच कार हैं, का है मांस मदिरा फलान ठिकान दुनिया के मफान वो यहाँ है सब भोले बाबा के ही सब जी। अरे वो ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं। कर्म अपने वर्ण के अनुसार कर्मों को करते जाओ तो कोई दोष नहीं। भगवान कृष्ण ने बताया है गीता के 18वें अध्याय में, वर्णानुसार जो जिस वर्ण का प्राणी है अपने वर्ण के अनुसार कर्म करे। अब हम थोड़ा इधर ले चलेंगे आपको, वो पिछली बार मैंने शायद एक सत्संग दिया था, श्री जी को हृदय में दिखलाया था और श्री कृष्ण यानी ब्रह्म बराबर आत्मा ये ब्रह्मांड में खोपड़ी में दिखलाई थी, क्योंकि ऐसा शास्त्र का मत है जी। हम जितना भी बोलेंगे शास्त्र मत से ही बोलते हैं, बाहर इधर उधर कहीं से कुछ नहीं बोलते। तो हमारे कुछ भक्तों को संतों को ये आशंका हो सकती है कि सभी लोग हृदय में वास बताते हैं, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख को फुल पुरु राजा, और भी हृदय के बारे में बहुत से व्याख्यान है, सभी साफ वर्णन कर रहे हैं। तो उनको ये शंका होगी कि स्वामी जी यही खोपड़ी में बता रहे हैं आत्मा का निवास, ये शास्त्र हृदय में बता रहे हैं। तो इसके विषय में थोड़ा हम उनकी शंका का समाधान कर देंगे।
देखो ऐसा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, आत्मा का निवास दिन में ब्रह्मांड में रहता है और रात्रि में हृदय में निवास होता है आत्मा का। आत्मा का निवास रात्रि में हृदय में निवास स्थान हृदय में होता है आत्मा का, और दिन में ब्रह्मांड यानी खोपड़ी में होता है, सिर में होता है। सिर में आत्मा को बैठने से पांचों ज्ञान इंद्रियां वहीं से संचालित होती हैं, श्रोत चक्षु वाणी श्वसन। तो ये दिन में निवास बताया है शास्त्रों ने कि ये ब्रह्मांड में रहता आत्मा का निवास, और रात्रि में हृदय में निवास हो जाता है। इसके विषय में और सवाल बताया गया है, ये आया है कि ये शरीर सारा दिन परिश्रम करने के बाद वैसे भी सारा दिन में श्रमित हो जाता है, शरीर जब श्रमित हो जाता है तो शाम को ये गिर जाता है, इसका भार मन अपने ऊपर ले लेता है। शरीर तो शांत हो गया, दिन भर का श्रम उसके ऊपर लदा हुआ है तो वो गिर चुका है, मन शरीर का भार लेकर फिर ये भ्रमण करता है, ये भी शरीर से निकल कर बाहर जाता है, फिर वहाँ अनेक संसारों की रचना करता है, कहीं सुख पाता है कहीं दुख पाता है, कहीं सुखी होता है कहीं दुखी होता है। इस प्रकार कसरत करते करते मेहनत करते करते ये भी श्रमित हो जाता है, तो जब ये श्रमित हो जाता है तब ये भी खोपड़ी के बल गाड़ जाता है। कहाँ जाता है? ये आत्मा की गोद में पड़ता है। मन 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 शरीर का भार लेकर श्रम भार लेकर आत्मा की गोद में पड़ जाता है। आत्मा इसी से आत्मा का नाम इसी से दिया है हमारे संतों ने, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम। ये आत्मा मन रूपी जीव को अपनी गोद में लेता है, सुलाता है। माँ शक्ति भी निद्रावश हो जाती हैं, जीव प्रगाढ़ निद्रा में हो जाता है, आत्मा की गोद में जीव पड़ा हुआ है और आत्मा की ही गोद में शक्ति पड़ी हुई है। अब इस टाइम में ये महाप्रलय का टाइम है, प्रगाढ़ निद्रा जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, इस महाप्रलय में सब के सब धाराशाही हो जाते हैं, एक आत्म तत्व ही बचता है। गीता में बोले हैं, अहम वैश्वानरूप प्राणी नाम देह मासिता प्राणापान समायुक्ता पचामेन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर अग्नि के रूप में सभी प्राणियों के नाभि प्रदेश में वास करता हूँ और वहीं से प्राण की जगह प्राण को पान की जगह पान को संचालित करके रखता हूँ, रोक के रखता हूँ। वायु तो एक ही है किंतु इसके विभाग एक ही स्वरूप कई स्वरूपों में बदल जाता है। वायु तो एक ही है किंतु अब देखो कितने स्वरूपों में बदली है, प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म देवदत्त धनंजय, इस प्रकार से ये कई वायु है। अब ये शरीर में सब अपनी अपनी जगह स्थित है, एक दूसरे का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये आत्मतत्व के कारण ही है। आत्मतत्व अपने में जीव को समेटे है, माँ शक्ति भी उन्हीं की आगोश में है, सिर्फ आत्मा है, माया धराशाई है। अब इस काल में
केवल आत्म तत्व, यही हमारे वेदांतवादियों ने देखा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक आत्मा ही इस महाप्रलय काल में दिखाई दे रहा है, और ना तो कहीं जीव दिखाई दे रहा है, ना शरीर दिखाई दे रहा है। शरीर भी धाराशाही है, जीव भी धाराशाही है, शक्ति भी सुषुप्ति अवस्था। रात भर अपनी गोद में सुलाने के बाद भगवान मन का श्रम यानी जीव का श्रम और शरीर का श्रम शक्ति का श्रम सबको अपने में जब्त करके और सुबह बिल्कुल निर्बाध रूप से उठा देते हैं। जब जीव उठता है तो वो तरोताजा अपने को महसूस करता है, न उसको कोई थकावट है, न कोई ग्लानी है, अपने को बिल्कुल महसूस करता है कि हम तरोताजा हैं, है भी तरोताजा, कोई श्रम नहीं रहता। शरीर भी उठ जाता है, लगता है बिल्कुल स्वस्थ उठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हमारे सांख्यवादियों ने कहा कि देखो, जीव और माया ये दोनों अविनाशी हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती, आत्मा में रहते हैं, किंतु ये अपनी अवस्थाओं में अलग अलग रहते हैं, रहते आत्म तत्व में हैं। क्योंकि यदि अलग न रहें तो रोज जीव को बनाना, माया को बनाना, ये भगवान का बस कहाँ तक बनाएंगे। तो बोले बीज रूप में दोनों रहते हैं, सुबह ये दोनों ही उठ जाते हैं और संसार चालू हो जाता है, सृष्टि क्रम चालू हो जाता है जी, सुबह से लेकर शाम तक। फिर वही होता है, शाम को फिर शरीर सीमित होता है, सीमित होके मन पे गिर जाता है, मन बोझ इसका उठा लेता है, मन भी सीमित हो जाता है, तब आत्मा इसका बोझ उठा लेती। माता शक्ति सुषुप्ता में, सुषुप्त अवस्था में वो भी निद्रावश होती है। इस तरह का अब ये विचित्र ज्ञान पड़ेगा, जाके इसको क्या करेंगे भक्तजन, जाने तो भाई जान लें। अब इसके शरीर के पांच कोष बताए गए हैं, अन्नमय कोष, ये ऊपर का शरीर जो दिखाई देता है ये अन्नमय कोष है, ये अन्न से बनता है। ऊपर जो महाराज जी ये दिखाई देते जो खाल वगैरह, हाँ ये स्किन, ये अन्नमय कोष है, अन्न से बनता है। और इसके बाद फिर है प्राणमय कोष, जो प्राणों से बनता है। और इसके बाद है मनोमय कोष, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। इसी सूक्ष्म शरीर के कारण ये शरीर संचालित होता है, नहीं तो जड़ है ये ना ही चल सकता है, इन्हीं के वजह से चलता है, बड़ा विषय। मनोमय कोष फिर क्या है, फिर पता नहीं, विज्ञान में कोष है, और इसके बाद फिर आनंद में कोष है। जीव जब सुसुप्ति अवस्था में होता है, प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, पूर्ण आनंद होता है, वहाँ उसको किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होता, किसी प्रकार पूर्ण आनंद, उसी को आनंदमय कोष कहा गया है, प्रगाढ़ निद्रा में जब होता है। धन्यवाद गुरु जी।